टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद टीम इंडिया 10 नवंबर यानी कि बुधवार को भारत वापस लौट रही है। सुपर 12 राउंड से ही टीम इंडिया बाहर हो चुकी है और अब टीम इंडिया वापस जयपुर आ रही है बुधवार को यानी कि 10 नवंबर को। और जयपुर पहुंचने के बाद टीम इंडिया को 3 दिन क्वारंटाइन रहना होगा यानी कि 11, 12 और 13 तारीख तक 3 दिनों तक टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी होटल में ही क्वारंटाइन रहेंगे और उसके बाद 14, 15, 16 तारीख को जयपुर में ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया का T20 पहला T20 मैच होना है जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। वहीं न्यूजीलैंड टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद जयपुर के लिए रवाना होगी और उसको भी क्वारंटाइन होना होगा, उसके बाद वो 17 नवंबर को टीम इंडिया के साथ T20 मैच खेलेगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप इस T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन रहा उससे फैंस काफी निराश है, तो ऐसे में टीम इंडिया के एयरपोर्ट पहुंचते ही टीम इंडिया को फैंस के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि जो फैंस है वो इस बात को समझेंगे कि खेल है और खेल में हार जीत लगी रहती है, तो ऐसे में टीम इंडिया को विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि उनका खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। और जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 T20 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया जा चुका है, तो ऐसे में नए अवसर अब टीम इंडिया के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिहाज से जो क्रिकेट फैंस हैं उनको समझना चाहिए कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है और जिस तरह टीम इंडिया के प्लेयर्स लगातार खेल रहे थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद IPL खेला, टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी भी खेली और कई सारे लगातार मैच टीम इंडिया के प्लेयर्स खेलते रहे, तो ऐसे में थकान भी टीम इंडिया के प्लेयर्स पर हावी थी क्योंकि प्लेयर्स भी कोई मशीन नहीं बल्कि खिलाड़ी हैं, इंसान है, तो इसलिए टीम इंडिया का प्रदर्शन कहीं ना कहीं डगमगाया। हालांकि लास्ट के 3 मैचों में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जो शुरुआत के 2 मैच थे उसमें टीम इंडिया बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई और वहीं से टीम इंडिया की वर्ल्ड कप से बाहर होने का वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिसको लेकर विराट कोहली ने कहा है कि अगर शुरुआती 2 ओवर या 3 ओवर उन 2 मैचों में टीम इंडिया इस तरीके से खेली थी जिस तरीके से इन पिछले 3 मैचों में, वर्ल्ड कप के पिछले 3 मैचों में अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ खेली है, तो शायद टीम इंडिया की कंडीशन इस वर्ल्ड कप में कुछ और होती। खैर, अब जिस तरीके से 10 नवंबर को टीम इंडिया वापस भारत लौट रही है तो ऐसे में टीम इंडिया का क्रिकेट फैंस को विरोध नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि टीम इंडिया आने वाले मैचेस में बेहतर प्रदर्शन कर सके।